हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोवेट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में और मैं आपका दोस्त गौनिक। सो दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और वो शेयर होल्डर्स के लिए सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के बराबर रहा शेयर। और शेयर का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IRCTC का IPO 16 अक्टूबर 2019 को हमारी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ था और इसका प्राइस था 320 रुपए पर शेयर का। जिसको तो इसकी अलॉटमेंट आई होगी उसको अब तक कंपनी ने 2000% का रिटर्न्स दिया है और जिनको अलॉटमेंट नहीं आई, तो जब ये सेकेंडरी मार्केट में खुला था 16 अक्टूबर को, तो इसका प्राइस था 625 रुपए का और इसका लो भी वही है। आज तक का जो सा ऑल टाइम इसका लो है वो 625 रुपए का है और 625 का लो था और कल के दिन में, बीते हुए दिन में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 6400 रुपए के पास था, 6400। तो बहुत मोटे रिटर्न इसने दो साल में अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिए हैं। दोस्तों, IRCTC एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और कल के दिन में मतलब 19 अक्टूबर 2021 को इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,00,000 करोड़ के पार हो जाता है। बट उसके बाद इसके अंदर एक ऐसी गिरावट आती है जिसके अंदर सभी इन्वेस्टर्स बह जाते हैं, जो अपने आप को कुछ 30 मार का समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि मार्केट में जहां में पैसा लगाओ बन जाता है, उनकी खटिया खड़ी हो गई कल के दिन और आज के दिन भी। उनको एहसास दिला दिया ऑपरेटर ने कि ऑपरेटर ही सबका बाप है, बाकी जो रह गए वो आप हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो न्यूज जिसके कारण IRCTC का शेयर कल से 30% के करीब गिर चुका है। आइए देखें इस बात का है कि अचानक IRCTC के शेयर में गिरावट क्यों आई। IRCTC के शेयर में गिरावट की बड़ी वजह रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी रिटिस की रिपोर्ट है। रिटिस की रिपोर्ट में रेलवे में रेगुलेटर नियुक्त करने की सलाह दी गई है। प्राइवेट ट्रेनों के लिए भी रेगुलेटर की सिफारिश की गई है। पैसेंजर ट्रेन भी रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। रिटिस की रिपोर्ट के बाद अब कैबिनेट नोट बनाएंगे। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के बाद IRCTC में तेज बिकवाली देखी गई है। दोस्तों, टिकट टेप की वेबसाइट पे अभी भी एनालिस्ट 75% एनालिस्ट इसके अंदर बाय रेटिंग दे रहे हैं। 21 सितंबर 2021 को IRCTC ने 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। अब बात करते हैं होल्डिंग ट्रेंड की। इन लास्ट 6 मंथ्स प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट। तो मतलब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इसमें नहीं बढ़ाई पिछले 6 महीनों से। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। डिक्रीज इन म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इन लास्ट 3 मंथ्स म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर होल्डिंग अपनी 2.5% के साथ कम की है, क्योंकि उनको पता है कि इसका प्राइस ओवर प्राइस था। ये शेयर अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी ओवरबॉट, बहुत ओवरबॉट हो रखा था, बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर समझ रहे थे कि अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मुझे बहुत क्लाइंट्स ने पूछा कि सर इसके अंदर बाय रेटिंग बनती है कि नहीं बनती। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे ओवरबॉट दिख रहा था बहुत ज्यादा ये। दोस्तों, 19 अक्टूबर 2021 में 6400 का हाई बनाने के बाद कल ही इस शेयर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आती है, वो आप इसकी कैंडल में देख सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट आती है और उसमें जो सपोर्ट का लेवल निकल के आता है वो 5000 का आता है और आज खुलते ही मार्केट ये 5000 का लेवल भी तोड़ देता है। उसके बाद जो इसका टारगेट मैंने निकाला था वो 4400 का था, जो कि इसने आज अचीव कर लिया। तो अगर ये शेयर अभी 4750 से नीचे है तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये आगे 4050 का लेवल भी बना दे। वो बहुत बड़ी कोई अचंभित होने वाली बात नहीं अगर आपको 4050 का लेवल दिख जाए। तो मैं इस शेयर में अब दोबारा जब बाइंग करूंगा तो 4050 के आसपास करूंगा अगर ये शेयर वहां पे आएगा, नहीं तो बहुत विकल्प है मेरे पास, मैं कोई और शेयर में इन्वेस्ट कर दूंगा। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स में हमारे पास सबसे पहले MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवर्जन आता है, जिसमें हमें पता लगता है कि इसका आज जो सा हिस्टोग्राम है वो बहुत छोटा हो गया है और फास्ट लाइन जो सी है वो स्लो लाइन को कट कर सकती है कभी भी। मतलब इसका हिस्टोग्राम कभी भी नेगेटिव में आ सकता है, अभी ये अभी भी पॉजिटिव है।
उसके बाद बात करेंगे RSI की। RSI आज इस शेयर की 52 के आसपास बंद हुई है, और आप सबको पता है कि 50 के ऊपर जब तक शेयर की RSI रहती है तो ये शेयर पॉजिटिव बना रहता है। इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम आज बहुत ज़्यादा था, बट वो नेगेटिव के साथ, मतलब सेलर्स के साथ था। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा गिरावट आई आज, 19% के आसपास की गिरावट थी। उसके बाद बात करेंगे DMI की। अभी कुछ 3-4 दिन पहले जब इसका RSI 80 से भी ऊपर था, मतलब 88-89 समथिंग था, तो इसकी जो सी DMI की जो सी ADX लाइन है वो 66 थी, जो कि बताती है कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है शेयर, कभी भी इसके अंदर गिरावट आ सकती है। तो वैसे ही आज इसके अंदर गिरावट आ गई, और अभी भी इसकी ADX की लाइन 60 के आसपास है, जो कि अभी भी बता रही है कि हो सकता है शेयर आने वाले दिनों में कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है शेयर। दोस्तों, इस मार्केट में ऑपरेटर की सबसे बढ़िया खूबी ये है कि वो इन्वेस्टर्स को पर भी लगा के देता है। जब शेयर चढ़ता है तो इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं मार्केट में, और उनके पर काटने का काम भी जो सा है ऑपरेटर ही करता है। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो 100 पॉइंट धीरे 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 करके शेयर ऊपर चढ़ता है, और जब गिरता है तो धड़ाम से एकदम से 15-15, 20-20% का लोअर सर्किट लग जाता है, और तब इन्वेस्टर्स को जाके अकल आती है कि भाई हमारे ऊपर भी कोई है, गॉडफादर जिसे कहते हैं हम। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको नीचे यहाँ पे दे रहा हूँ, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन बनी रहे। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।